तो गाइस ये है लखनपुर, जैसे आप देख रहे हैं यहाँ गाड़ियाँ लगी हुई हैं काफ़ी सारी और यहाँ पे रश भी है। तो यहाँ पे गाड़ियाँ रुकती हैं और यहाँ पे साथ में ही है सामने रोड के दोनों साइड में हल्ले के स्टॉल लगे हुए हैं, जैसे आप सामने देख रहे हैं साइड भी हैं और यहाँ भी काफ़ी लंबी आगे तक मार्केट है ये स्टॉल्स की। और ये देखिए आप, यहाँ पर आपको ऐसे ही खाने के लिए मिलेगा भल्ले, टेस्टी स्पेशल। और वो यहाँ पे लेके चलते हैं आपको भाई के पास, भाई साहब कुछ बताएंगे तो आपको लेके चलते हैं भाई के पास बनाते हुए भल्ले चने के दाल के। तो आप थोड़ा बताएंगे कैसे कैसे क्या है आपके, क्या क्या है आपके पास? हमारे पास राम लड्डू है, पनीर पकौड़ा है, लड्डू पकौड़ा है, दाल पकौड़ा, ये क्या चीज़ है? ये वाली हाँ, मिर्च पकौड़ा, मिर्च पकौड़ा, और ये क्या मंचूरियन है? ये बल्ले हैं? नहीं नहीं, ये वाले वाले खट्टे बल्ले। कितने के हैं ये प्लेट? कितने की प्लेट? तो ये गाइस देखिए स्पेशल भल्ले फ्राई करते हुए, और यहाँ पे काफ़ी वैरायटी अवेलेबल है, मिर्च के पकोड़े भी रखे हैं। ये प्लेन वाले होते हैं, ये मिर्ची के, ये पनीर पकोड़ा, आगे पालक पकोड़ा, ये प्लेन है और ये मसाले वाले, मसाले वाले। ओके, और ये पालक वाले, ये पकोड़े हैं। हाँ जी। तो दोस्तों ये देखिए आप, यहाँ पे स्पेशल भल्ले और आपको टेस्ट करके बताएंगे यहाँ पे फ्राई करते हुए स्पेशल मसाले वाले। प्लेट कितने की है? 20 वाले का मसाले वाले लगाना ना, ये तो प्लेन है ना, मसाले वाले लगाना। और हमने ऑर्डर दे दिया है मसाले के भल्ले। तो ये देखिए भाई साहब ने फ्राई करने के लिए डाल दिए हैं, और यहाँ गोमू यहाँ बैठ चुका है भल्ले का वेट करता हुआ। गुम को बहुत गर्मी लगी है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ बहुत ज़्यादा हॉट गर्मी है आज। और मसाला भल्ला अभी हम लेंगे इसका टेस्ट, गोमू से पूछेंगे कैसे लगा गोमू को मसाला भल्ला। अब गोमू खाएगा फिर टेस्ट करके बताएगा। गोमू ने पहले प्लेन वाले खाए तो गोमू को अच्छे नहीं लगे थे, तो अब मसाला वाला खा के देखते हैं ये कैसे हैं, अच्छे हैं। ओके, वो प्लेन खाए थे ना आपने, हम मसाले वाले मंगवाए स्पेशल, गोमू को अच्छे नहीं लगे भल्ले, अच्छे हैं बोलना भी है। देखिए आप यहाँ भल्ले का आनंद लेते हुए लोग। गाइस आपको लेके चलते हैं, यहाँ पे बन रहे हैं स्पेशल भल्ले, तो आपको दिखाएंगे अपने वीडियो में स्पेशल भल्ले। ये पठानकोट के साथ में ही है भल्ले की शॉप, काफ़ी फेमस है यहाँ पे लखनपुर के पास। और ये देखिए ये बिल्कुल कुंडी में तैयार करते हैं। ये किस कच्चे चने का होता है क्या? चने की दाल, चने की दाल कुंडी में चने की दाल से बना के स्पेशल भल्ले, काफ़ी टेस्टी हैं। हम भी आज स्पेशल भल्ले खाने के लिए आए हैं, और यहाँ पे पूरा स्टॉल्स है, तो आपको ब्लॉग में पूरा दिखाएंगे ये यहाँ से लेके आपका। ये देखिए कितना वहाँ पे भीड़ है, जाम है और काफ़ी रश भी है। तो आप यहाँ से जो देख रहे हैं आगे तक सारे स्टॉल्स भल्ले के हैं और काफ़ी फेमस हैं,
और लोकल स्टाइल में भल्ले बनाते हैं कुंडी में। देखिए गर्मा गर्म भल्ले बनाते हुए अभी भाई साहब यहाँ पे, और सामने गाड़ियाँ देखिए आप। यहाँ पे सेंटर पॉइंट है और काफ़ी भीड़ रहती है, जिसकी वजह से यहाँ लोग भल्ले खाने के लिए रुकते हैं। लखनपुर के स्पेशल भल्ले। और ये देखिए आप अंदर से शॉप है, यहाँ पे काफ़ी फेमस है और यहाँ पे भल्ले खाते हुए लोग एंजॉय कर रहे हैं। तो हमने भी ऑर्डर किया है भल्ले का, तो आपको दिखाएंगे कैसा रहेगा। सो गाइस, आई होप आपने व्लॉग में काफ़ी इंजॉय किया होगा, और मैं आपको इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहता हूँ कि अगर आप कभी पठानकोट जम्मू के बीच में ट्रैवल करें तो लखनपुर में, प्रॉपर लखनपुर में ये स्पेशल भल्ले मिलते हैं और बहुत ही अच्छे हैं। और ये देखिए आप यहाँ पे रोड का गाड़ियाँ लगी हुई हैं, तो आप ज़रूर से ट्राई करें। अगर आप जम्मू से आएंगे तो 2 घंटे लगते हैं, और पठानकोट यहाँ से 15 किलोमीटर है, तो बहुत ही अच्छा डेस्टिनेशन पॉइंट। ये देखिए यहाँ भी स्टॉल्स लगे हैं भल्ले के। तो आई होप आपने ऐसे व्लॉग में एंजॉय किया होगा। तो ये व्यू है लखनपुर का मार्केट स्पेशल फॉर भल्ले, और गोमू ने भी काफ़ी एंजॉय किया है। तो ये व्लॉग में यही है हमारे पास, लखनपुर के स्पेशल भल्ले। चलो गाइस, स्टे ट्यून्ड विद अभिसना व्लॉग एंड लाइक शेयर सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल। तो थैंक यू गाइज़।